बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला प्रखंड पंचायत पुपरी गांव रतन लक्ष्मी महादलित बस्ती। इस बस्ती में करीब 150 घर है, लेकिन इनकी बस्ती नीचा होने के कारण और नाला नहीं रहने के कारण करीब 6 महीनों तक पानी भरा हुआ रहता है, जिस कारण इन लोगों को तरह तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस मोहल्ला पूरा गहार है, ठीक है, इसमें मट्टी करने नहीं हुआ, प्लस मट्टी लग पानी लग जाता है, हम लोग कैसे निकलेंगे, नाली का व्यवस्था भी नहीं है। और क्या बोलते हैं, हमको मतलब चचा के लड़की को सांप भी काट लिए, बच्चा सब बार बार बीमार पड़ जाते हैं जी। पानी हेलते हेलते पूरा गोर सब फूल जाइए, पूरा गोर सब फूलल है, चलल ना हो हमरा लोग के, बच्चा है छोटा छोटा, बच्चा दिन रात पानी हेलिए, हम लोग कहाँ से इलाज करा, कहाँ से हम लोग की करम, खा ले जब कहीं कहाँ से बाल बच्चा मेरा में रुपया। यहाँ तक कि स्वास्थ्य अभियान चालू था, उसमें हम प्रमुख, मुखिया, CO, BDO, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर को भी लाए थे, सबको दिखाएँ, सबको बताएँ कि देखा जाए साहब, इसमें नल कम से कम नाला का भी व्यवस्था लगा दिया जाए। आज तक न मैम मिट्टी गिरा है, न CO सुनता है, CO के पास जाते हैं तो कहता है BDO के पास जाओ। मैंने भी स्थल जा कर देखा है, और वास्तव में थोड़ा लोलैंड है, और वहाँ पे मनरेगा योजना से संबंधित जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं उनको कहा गया है कि मनरेगा योजना से उसको मिट्टीकरण का कार्य किया जाए, और शेष कार्य जो है उसी को अभी हम लोग नली गली पक्कीकरण जो मुख्यमंत्री जी का सात निश्चय योजना है उससे लिया जा रहा है, वहाँ पे नली गली पक्कीकरण योजना से पूर्ण करके और नाली निकासी आगे कर दिया है। सर ये कार्य कब तक होगा? नली गली योजना का कार्य पहले तो अभी हाईकोर्ट में वजह से पेंडिंग था, अभी इधर शुरू हो रहा है, और हमें लगता है कि 1-1.5 महीने में पूर्ण हो जाएगा। गांव रतन लक्ष्मी महादलित बस्ती में नाला और मिट्टीकरण के कामों के लिए कई बार मिट्टी आया था, पर यहां की मुखिया अपने बस्ती में ले गए। इस समस्या को लेकर हमने कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले और आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाल में ही BDO साहिबा आई हैं, जिन्होंने नवम्बर की शुरुआत में ही आश्वासन दिए हैं कि इस काम को दिसम्बर तक पूरा कर दिया जाएगा। मैं गुड्डी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।